इतना जल्दी क्यों उठना है और ज़्यादा जल्दी उठ के क्या ही कर लेंगे। जो लेट तक सोते हैं ना, उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है। सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हैं। मैं जल्दी क्यों उठती हूँ, धीरे धीरे पूरा वीडियो देखने से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह घर के सारे काम को मैं एकदम टाइम पे निपटा लेती हूँ और अपने लिए भी मुझे ढेरों समय मिल जाता है। जितना जल्दी भी मेरा नींद खुले, जब मैं नीचे आती हूँ तो सबसे पहले सब जगह के दरवाजे और खिड़कियों, ये मेरे घर के पीछे का हिस्सा है, बाहर एक नेट लगा हुआ है उसको नहीं खोलती हूँ, मेन डोर को खोल लेती हूँ। खिड़की के भी पर्दे को मैंने हटा दिया है। सुबह खाली पेट में हल्का गुनगुना सा पानी इस तरह के बैठ के पीना चाहिए, ये मैंने नया ही सीखा है तो सोचा चलो इसको भी ट्राई कर लेती हूँ। फायदे और नुकसान तो कुछ दिन पीने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, नीचे आते ही सबसे पहले मैं अपने नाइट सूट को चेंज करती हूँ, फिर पानी पीती हूँ, फिर रात को जितने बर्तन मैंने धो के प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ रहता है सबको मैं जगह पे रख लेती हूँ, और रात में ही पूरा किचन को साफ़ सुथरा करके सोने का मैंने आदत बनाया है, तो सुबह उठते ही पूरा किचन मेरा फ्रेश दिखता है। बहुत ही छोटा सा मेरा किचन है तो इसको साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखना तो मेरी ड्यूटी बन जाती है। सारे बर्तनों को जब मैं अरेंज कर ली तो मैंने अपना कैसरोल उतारा, उसमें रात की बची हुई जितनी भी रोटी रहती है, एक दो, उन सबको मैं तोड़ के अपने घर के पीछे मेरी बहुत सी गिलहरी और चिड़ियाँ आती हैं जिसे मैं खाने के लिए देती हूँ, तो सुबह ही मैं उन सबको तोड़ तोड़ के डाल देती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सनलाइट होगा गिलहरी नीचे उतरेगी और एक एक रोटी के टुकड़े को लेके पेड़ पे चढ़ जाएगी, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। रात में मैंने चने भिगो के रखा था, उसके भी पानी को अच्छे से मैं साफ़ कर दी और उसको इस तरह से छलने में निकाल के रख दी ताकि उसका सारा पानी झड़ जाए। और चना में जो एक दो मुझे ख़राब चना दिख रहा था उनको मैं हाथों हाथ साफ़ करते जा रही थी, पर हाँ, जब बनाना रहेगा तो उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। घर की सफाई के लिए मैंने मेड रखा है जो झाड़ू पोछा का ही काम करती है, पर ऐसा बोलते हैं कि सुबह घर से निकलने के पहले ज़रूर एक बार झाड़ू कर देना चाहिए, इससे घर का बासीपन दूर होता है और घर की सारी नेगेटिविटी भी झाड़ू के साथ बाहर निकल जाती है। इसका डीप क्या रीज़न है वो तो मुझे नहीं पता, पर मैं शुरू से अपने घर में देखते आई हूँ इसलिए मैं इसको ज़रूर फॉलो करती हूँ। और आंगन के बाहर जो ये चौखट है इस पर भी पानी डाल के इसको थोड़ा सा धो देती हूँ। इन सभी को करने के बाद मैं चली आती हूँ अपने पूजे के बर्तन को साफ करने के लिए। छोटे छोटे ढेरों बर्तन मेरे हो जाते हैं, क्या आपके भी इतने ही जमा होते हैं? यदि होते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सुबह का चढ़ाया हुआ फूल मैं इस तरह से प्लेट में निकाल के रख देती हूँ और उन सभी फूलों को मैं पेड़ों में डाल आती हूँ। है ना ढेरों सारे बर्तन। अब इन बर्तन को धोने के लिए मैं विम का शुद्धम लिक्विड आता है उसका यूज़ करती हूँ। पहले मैं पीताम्बरी से धो लेती थी, पर पीताम्बरी से धोने से हाथ बहुत ख़राब हो जाता था और ये शुद्धम तो बहुत ही अच्छा है। तांबे के बर्तन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है और हाथ में ज़रा सा भी इफेक्ट नहीं होता है, मैं तो खाली हाथ से ही धो रही हूँ और आपके सामने इसको मैं रगड़ रही हूँ। देखिए, देखते ही देखते ये तांबे का बर्तन बिल्कुल चमकदार हो जाता है। मैं तो इसको 100% रिकमेंड करूँगी कि पीताम्बरी के जगह इसी का यूज़ किया जाए, ये ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल है। और एक जगह जब सारा बर्तन धुल के इकट्ठा रहता है ना तो टाइम भी बहुत कम लगता है। पहले सोचती थी इन सबको रात में ही धो लूँगी, पर सुबह अब टाइम हो जाता है तो मैं अब सुबह ही धोती हूँ। अब आ गई मेरे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने का टाइम, जो हल्का फुल्का सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज जो मैंने रूटीन शेयर किया है मेरा एग्जैक्ट यही चलता रहता है, कभी इसमें आगे पीछे नहीं होगा, ये सब नहीं होता है। मैं सिचुएशन और काम के अनुसार ही अपने रूटीन को बदलते रहती हूँ। यदि मुझे चॉइस मिले कि मॉर्निंग वॉक करना है या एक्सरसाइज करना है तो शायद मैं मॉर्निंग वॉक को ही चूज, क्योंकि सुबह की यह ठंडी हवा और बाहर का नज़ारा मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तो निकलने के पहले अपने किचन को लाइट को बंद की और दूध के लिए मैंने बॉटल को टांग दिया, और लौटते वक्त बाहर गार्डन और मेरे क्यारी में से जो भी फूल मिलते हैं उन सबको तोड़ते हुए मैं ले आती हूँ। अब आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, तो ब्रेकफास्ट बनाने में लगभग आधा घंटे से ज़्यादा का टाइम तो लगेगा ही,
तो आधे घंटे के लिए कम से कम बालों में ऑयल तो रहेगा, इसके लिए पहले मैंने बाल में ऑयलिंग कर ली, अच्छा सा हल्का हल्का मसाज कर लिया। मैंने ये अप्लाई करके देखा है कि पहले ऑयलिंग कर लेने के बाद यदि हम बाल धोते हैं तो बाल भी बहुत सॉफ्ट रहती है और बहुत कम बाल झड़ता है। पर यदि थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए ऑयल रखा जाए, कम से कम 2 घंटा, तो और इसका बेटर रिजल्ट आता है। और कुछ कुछ ऐसी सब्जियां होती है ना जो कुकर में बनाने से वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो आज बन रही है मेरी तुरई की सब्जी, ये जिसे हम लोग परोल भी बोलते हैं, उसमें मैंने डाला है आलू और चना। सारे मसाले डाल के मैं इसमें सिर्फ 2 सीटी लगवाऊंगी और सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। आपको पीछे घड़ी दिख ही रहा होगा, 7:15 हो रहा है और थोड़ी गर्मी भी है, तो काम करते करते मुझे प्यास लग गई थी, तो पहले मैंने स्थिर से पानी पी लिया, फिर जाऊंगी मैं नहाने के लिए। तो नहाने के पहले सबसे पहले जो छोटी मोटी सफाई होती है, इसमें मेरे डस्टिंग नहीं है, डस्टिंग का काम मैं बाद में करती हूँ। थोड़ा सा मैंने वॉश मशीन धोया, थोड़ा रेगुलर हल्की फुल्की सफाई बाथरूम की हो गई, फिर नहाने के बाद मैं जल चढ़ाने के लिए आ गई हूँ। सुबह के 8 भी नहीं बजते हैं, बहुत सारा काम मेरा निपट जाता है। अब मुझे देना है अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके वो ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। तो आपको दिखा भी देती हूँ कि वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी इसके घर में सुबह से नहीं दिखाई दे रहा है, कोई रहता भी है या नहीं। ये ऑफिस के लिए निकल जाएंगे तो बिल्कुल मैं मेंटली फ्री हो जाऊंगी। मेरे ख्याल से सबके साथ ऐसा ही होता होगा, हस्बैंड जब अपना लंच बॉक्स लेके निकल जाते हैं तो हाउसवाइफ को लगता है जैसे कितना सारा काम एक साथ ख़त्म हो गया और वो बिल्कुल फ्री हो गई है। काम तो जस का तस उनके जाने के बाद भी पड़ा रहता है, पर हम लोग एकदम रिलैक्स मूड पे आ जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? थोड़ी देर आराम से छत पे मैं घूमती रही, हल्का बूंदा बूंदी हो रही थी इसलिए कपड़े को मैंने शेड में डाल दिया। अब चली आई अपनी किचन में बचे खुचे कामों को निपटाने के लिए। 10:30-11 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है और अपने लिए मुझे बहुत सारा टाइम मिलता है, जिसमें मुझे घर के जो दूसरे काम रहते हैं, मतलब रोज़ के रूटीन के अलावा, उनको सब मैं निपटाती हूँ। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।